मेरा नाम दिलीप बहान है और आज मैं आपके साथ ऑनर रिव्यू के एक नए एपिसोड में हाजिर हूँ। और आज इस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं, ये है मिस्टर बिशी के वैगन और मेरे साथ मेरे चाचा मौजूद हैं। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है, बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। सर आपका नाम? मेरा नाम है सौलत जमील। मुझे पता था वैसे, लेकिन मैंने कहा ऑडियंस के लिए कहा पूछ लूं। ठीक है, तो सर आपने ये गाड़ी ये गाड़ी कब ली? ये गाड़ी मैंने ली है अगस्त 2018 के अगस्त में ली है मैंने। ठीक है, तो ये गाड़ी आपने इम्पोर्टेड गाड़ी है तो नई तो नहीं होगी ये, मतलब किस कंडीशन में क्या चली हुई थी? तकरीबन ये मेरे 15 की रजिस्टर है, 12 की इम्पोर्ट है। हाँ। तो उसके जब मेरे पास आई है 45,000। अच्छा, ये ड्राइव सही है। अच्छा, इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास इससे पहले मेहरान थी। मेहरान थी जी। ठीक है, तो और एक बहुत लंबे अरसे तक मैंने मेहरान चलाई। और आपने मुझे तो पता है आपने दो मेहरान, एक मेहरान से स्विच करके भी दोबारा मेहरान ही ली थी। तो उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास 2002 मॉडल की मैंने 0 मीटर गाड़ी ली थी, तकरीबन उसको मैंने 10-12 साल चलाया तो उसकी ज़रा कंडीशन तंग करने लगी थी कुछ, तो मैंने फिर उसे सेल करके उससे बेहतर मॉडल में गाड़ी ले ली थी। अच्छा, तो आप उस गाड़ी के ना बेसिकली एसी वगैरह तो नहीं चलता होगा? नहीं, उसमें एसी नहीं चलता था। बल्कि आपके मेहरान से मैं बताता चलूँ कि जो मेरी फैमिली में ड्राइविंग सीखी है, मेरे वाले साहब ड्राइव नहीं करते, मेरा भाई ड्राइव करता है और मैं ड्राइव करता हूँ। तो मेरे भाई ने जो ड्राइविंग सीखी थी ना, वो आपकी मेहरान पे सीखी थी। okay. और मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, क्योंकि आपने भाई को ना, मुझे याद है मैं छोटा था जब, तो आपने भाई को स्टपनी चेंज करने के लिए गाड़ी की चाबी दी थी, तो उसके ऊपर भाई ने उसी अंदर स्टपनी चेंज करने के चक्कर में ना पहली दफ़ा मेरे साथ ही चलाई थी वो गाड़ी। और मैंने भी जो पहली दफ़ा गाड़ी को सेल्फ सेल्फ मारा था ना, वो आपकी मेहरान थी, आपके पोर्च में खड़ी हुई थी, शायद आपको वो भी ना बताओ। तो पहली दफ़ा जो गाड़ी से मतलब देखा वगैरह था या स्टार्ट करके कोई थोड़ा बहुत स्टीयरिंग के पंखे शंगे लिए, तो मैंने आपकी गाड़ी मेहरान पे लिए थे। अच्छा, तो ये गाड़ी आपने कितने की ली थी? ये गाड़ी मैंने ली है 8 लाख की। 8 लाख रुपए की 2018 में? सही है। तो इसके अलावा जब आप ये 8 लाख में गाड़ी खरीद रहे थे, तो इसके अलावा आपके पास और कौन सी चॉइसेस थी? मेरे पास मेरी अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो मुझे एसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे पास एसी गाड़ी हो। हाँ। मैंने शहर से बाहर जाना है। हाँ। आना है मेरा कुछ काम की नौजत के लिए, सर्विसेज के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो मेरा बजट भी ज़रा बहुत मेहरान ही का बजट बन रहा था कि उसे मैं VX मेरे पास ही, तो VXR ले लूँ मैं। नई मेहरान इसलिए कि मेहरान गाड़ी मेरा अपना मैं पसंद करता था कि अगर मेरे पास नहीं हो, ताकि उसे एक बहुत लंबे अरसे तक वो मेंटेनेंस फ्री और टेंशन फ्री मेरे पास चलती रहे। तो जब आपने ये गाड़ी 8 लाख में ली, तो उस टाइम आप एक नई मेहरान का सोच रहे थे जी? अगर यूज्ड में हम देखना चाहें तो मेरे ख्याल से आपके पास एक कल्टस की ऑप्शन होगी, अच्छी साफ कंडीशन की कल्टस मिल सकती थी 2012 मॉडल की। हाँ। या 11 मॉडल तक की। हाँ, उस टाइम अवेल हो सकती थी शायद कुछ प्लस माइनस में। हाँ, उसके अलावा मेरे ख्याल से आपके पास कोरे, तो आपका लोकल गाड़ी की तरफ मूड ही नहीं था, मतलब आपने स्पेसिफिकली ये गाड़ी क्यों ली? ये गाड़ी थी मेरे भाई के पास। अच्छा, तो उनसे एक बार रब्ता हुआ, उन्होंने कहा एक ऑप्शन है आप इसे देख लें, तो पिक्चर्स वगैरह देखिए, मुझे पसंद आई गाड़ी। अच्छा, इसकी ज़रा मेरी हाइट ज़्यादा है तो मेहरान में थोड़ा सा टाइट रहता हूँ मैं। हाँ, ये हेड स्पेस इसमें बहुत बेहतर है। हाँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जी। स्पेस हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और डिगी में भी निस्बतन मेहरान के निस्बत काफ़ी स्पेस है, और लेने के बाद मुझे महसूस हुआ मेरा फैसला दुरुस्त था। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक भी है? ये ऑटोमेटिक भी है, तो ये भी आपको काफ़ी प्लस होगा। अच्छा, तो ऑटो की अच्छा एयरबैग्स हैं इस गाड़ी में? इसमें हाँ है, एयरबैग हैं दो। हाँ। अब वो वर्किंग में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, ना इसको ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, मार के पता लगेगा। अच्छा, कुछ की फीचर बताएं जो इस गाड़ी के आपको बड़े पसंद हों? के एक इसके तो एक तो इको मोड है। ठीक है, अगर इसको हम अगर मुझे बहुत शौक है, मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ। हाँ, हाँ। तो उसमें पहाड़ी इलाके में जाके खास तौर पर ये गाड़ी स्लो चलती है, तो इसकी एवरेज बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, कितनी? तकरीबन इसकी एवरेज 15 प्लस हो जाती है, वहाँ पर 16 तक भी हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये लेकिन सिर्फ जब हम इसे 40 डाउन स्पीड से इसको चलाएं। सही है। और ये शहर में आप लाहौर वगैरह में आपको 14 एसी के साथ 14 किलोमीटर देती है ये। ठीक है, और तकरीबन हाईवे पे भी इसकी तकरीबन अगर नॉर्मल स्पीड पे चलाएं 100 110 तक तो यही रहती है। सही है।
और इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे छोटा इंजन है ना, तो अगर आप इनको ज्यादा मोटर में पे चलाते हैं तो थोड़ी देर बाद इनकी एवरेज थोड़ी कम भी होना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसे अगर हम इसे, मेरी गाड़ी नॉर्मल अगर इसे स्पीड में चलाऊं तो 110 तक बहुत इजीली ड्राइव करती है। इससे तेज मैं गाड़ी की पावर टायर्स की सूरत हाल को देखते हुए जरूरी भी नहीं समझता कि इससे ज्यादा चलाया जाए, लेकिन 120 तक अगर इसको हम चलाते हैं तो इसकी एवरेज 12 पर आ जाती है अगर हम इसे 120 को टच करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है 120 पर चलाने के लिए। सही है। अच्छा, अभी हम लोग रिसेंटली इस पे कराची जाना हमारा भी हुआ था, पिछले दिनों सारी फैमिली गई थी, तो उसमें मैंने पूछा था कि मैं मेहरान को अपने लिए जाने का सोच रहा था, तो मुझे तकरीबन हर बंदे ने जिससे मैंने पूछा, मुझे सब ने कहा कि नहीं इसको ना लेके जाओ, रास्ते में जलील हो जाओगे, ऐसा प्रॉब्लम होगी, आपको तंग होंगे। तो आपने ये गाड़ी लेके गए थे, तो आपको डिसीजन लेते हुए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसके ऊपर, यहाँ से कराची तक का सफर और सारा, मतलब किस तरह रही है आपके साथ गाड़ी? मुझे तो बहुत बहुत इंजॉय किया हमने। हालांकि गाड़ी में हम जरा थोड़े से टाइट थे। अच्छा, हम कितने लोग गए थे? हम इसमें 4 लोग थे। अच्छा। और एक छोटा बच्चा था हमारे साथ। ठीक है, तो 5 लोग तकरीबन, 5 जी 5 लोग थे। हाँ। और उसमें सामान हमारे पास इतना ज्यादा नहीं था। अच्छा। वो हमने मैनेज कर लिया था और दूसरी गाड़ियों में, और कुछ लोग और जरा से गए थे। तो उसके अंदर जाते हैं, मतलब गाड़ी की एवरेज क्या आ रही है और हीट वगैरह का इशू, एसी की परफॉर्मेंस? बिल्कुल नहीं, हीट का तो बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ। और जिन दिनों में हम गए थे एसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, दिन के टाइम में 1-2 घंटे हमने चलाया, ज्यादातर रात को सफर किया था। सही है, तो उसमें हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। तो मतलब आपको ये गाड़ी, हमने 110 पे ज्यादातर गाड़ी चलाई है और एवरेज इसकी 14 की तकरीबन आई है हमारी। मुझे एक फीचर जो बहुत अच्छा लगा है इसमें, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, ये मतलब बंद भी हो जाते हैं ये। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, वरना मोस्टली गाड़ियों में होता है कि ये तो पावर आ जाते हैं लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं होते। आप इवन ये जो नहीं है, इसकी फीलिंग जरा मेरे जैसे आदमी के लिए तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग है, मैं आराम से निकल के ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे फीचर ना बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसी, इवन आप देखें ये जो नई सिटी और ये जिस तरह की गाड़ियां आ रही है, इनके अंदर भी ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं होते। नहीं होते डेफिनेटली, और वो भी 15-15, 20-20 लाख की, 25-25 लाख की गाड़ियां भी है जिनके अंदर ये नहीं होता फीचर। जी ऐसे है। इसके अलावा इसमें और कौन से फीचर है? इसके अंदर इसका एसी की कूलिंग बहुत आला है, बहुत ही आला है ये, मुझे बहुत आला है। हाँ, बहुत आला। हाँ, एक्स्ट्रा। हाँ, मैं रिबॉन यूज करता हूँ, मुझे लगता है उस लेवल की मुझे पता है, बाकी इसकी है। मैं प्रियस के अंदर अभी कराची गया तो प्रियस थी, वहाँ पे पैसो थी, ये 2-3 गाड़ियाँ थी, लेकिन इसका एसी उन सबसे बेहतर है। जी ऐसे तकरीबन कह सकते हैं, बाकी मैंने इतना पर्सनली तौर पर ज्यादा गाड़ियों को नहीं, मैंने 2-3 में चला के देखा, इसकी कंपेयर नहीं किया हुआ मैंने। अच्छा, ये मैं पूछना था कि आपकी जो गाड़ी है इसके अंदर जो रूटीन के खर्चे हैं, इंजन ऑयल वगैरह, फिल्टर वगैरह, वो कितने का चेंज? मैं ये तकरीबन नॉर्मल, अगर जैसे जो लोकल फिल्टर में गार्ड या इससे मिलते जुलते फिल्टर मिलते हैं, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर, जो इंजन ऑयल फिल्टर है उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, तो लास्ट टाइम जो मैंने किया है वो हर दफ़ा 20-50 सौ रुपये प्लस ही होते हैं, तो तकरीबन 28-28 सौ रुपये में अच्छा इसका ये काम होता है। इंजन ऑयल, और मैं, मुझे अभी जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है। जब जरूरत महसूस होगी तो मैं डेफिनेटली फॉरन करवाऊंगा, इसको पेंडिंग नहीं करूंगा। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स का क्या है कि इसका कोई स्पेयर पार्ट टूटा? एक दफा मेरे साथ हादसा हो गया था, मैं अंडरपास से गुजर रहा था, ये बीजिंग अंडरपास है जो लाहौर में नया बना है, उसके अंदर ऊपर से किसी बच्चे कुछ खेल रहे होंगे, मुझे उसकी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन बड़ा हैवी पत्थर एक मेरी गाड़ी पर गिरा था और मेरी ये स्क्रीन टूट गई थी। अच्छा, तो क्रैक हो गई थी। हाँ हाँ। तो फिर उसको मैंने तब्दील करवाया था। हाँ। तो इजीली मिल गई थी। अच्छा, दो काम मैंने करवाए इसमें। हाँ। ये स्क्रीन थी, तो मैकेनिक से बात की, उसने कहा लाहौर होटल पे कुछ नाम भी लिया था शॉप का, मुझे इस पर कन्फर्म नहीं है, वहाँ से उन्होंने नई स्क्रीन, उन्होंने कहा था एक शायद 5,500 रुपये में है और रिपेयरिंग के साथ उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपये 1,000 रुपये, तो बड़ी नॉर्मल है। और जो एक ऑप्शन उन्होंने दी थी कि वो 8,000 की है, देखो फिटिंग के साथ 9,500 रुपये, तो था कि वो बिल्कुल ही शायद ओरिजिनल है, वो जेन्युइन, तो मैंने उसको जो जेन्युइन ही उन्होंने बताया था वही मैंने डलवाई है, वो लाहौर से लेकर आए थे, उन्होंने निकाल के और खुद डालकर मुझे रेडी कर दिया। 9,000 के अंदर आपको 9,500 में ये स्क्रीन डल गई थी और एज सच मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई देखने में या कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। सही है। उसके अलावा गाड़ी ने आपको कभी तंग किया हो कोई इंजन वाइज? जब जी मैंने जब ये गाड़ी ली थी उसके तकरीबन 2-3 माह के बाद ही जो इंजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से कि कुछ पावर कम हो गई थी गाड़ी की। अच्छा। तो बहरहाल मुझे गाड़ी को मैं अपने एक स्टाइल से अपने हिसाब से चलाता हूँ। हाँ। तो मैंने इसका पूरा इंजन तब्दील करवा दिया था। अच्छा, तो वो यहाँ पे इजीली मिल गया था। कितने का था? बड़ी नॉर्मल कीमत में मिल गया था, 25,000 रुपीज में। अच्छा, वो इसे निकाल के जस्ट 6 घंटे में मेरी गाड़ी रेडी हो गई थी। अच्छा, और उसके बाद गाड़ी के फॉर्म बिल्कुल जैसे सही, नए इंजन वाली? उसके बाद मुझे इसमें कोई एक माइनर सी प्रॉब्लम थी, वो जब मैंने ली थी उसी दिन से थी, कोई लेफ्ट साइड का जो था ना ये हब, इसको बोलते हैं, मैं आपको समझ भी नहीं सकता, जो व्हील का डिस्क ब्रेक जहाँ पर चलती है
उसका कुछ इशू था, जो उसका डिस्क पैड या डिस्क ब्रेक जो होती है वो जल्दी ग्राइंड हो जाती थी एक साइड की। अच्छा, तो ये मैंने सारे काम लेने के 2 से 3 महीने में, ये मैंने दो काम, एक इंजन का और एक इसका और एक एक्सीडेंटली ये शीट। तो ये बड़े नॉर्मल से जो हमारा यहाँ पे ओल्ड स्क्रैप मार्केट है, बिलालगंज जिसको हम कहते हैं, वहाँ से इजीली मिल गए थे। मेरा कुछ जाना भी नहीं हुआ, जस्ट वो 2 से 3 घंटे में यार। उसके बाद से ऐसे अब तकरीबन ये 2 साल हो गए इस बात को, या 2.5 साल मेरा मेंटेनेंस पे कोई खर्चा नहीं है। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया कि वहाँ पे आप नॉर्थ साइड पे गए थे, तो इस गाड़ी की आप पावर मतलब जैसे कहाँ तक गए हैं आप नॉर्थ साइड में? मैं इस गाड़ी को लेकर तो खुजराब तक गया हूँ, चाइना बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक गया। 660 सीसी गाड़ी और 4 लोग हम गाड़ी में थे, और कुछ ना कुछ सामान भी 4 लोगों का, 6 दिन का कपड़े वपड़े जो भी पॉसिबल जरूरी थिंग होती है वो तमाम मेरे साथ मौजूद थे। कैसी रही फिर? मैं बाबू से टॉप को क्रॉस करते हुए कुछ थोड़ा सा इशू बना, आई थिंक वो किसी भी गाड़ी का बन जाएगा। अच्छा, और बाकी कोई इशू नहीं हुआ मुझे, ना मैंने महसूस किया कि कहीं गाड़ी साथ मुश्किल हुई थोड़ी सी। हाँ। गाड़ी ने लोड लिया। हाँ। जैसे स्लो हो गई है कुछ, वो मेरे ख्याल में तमाम बाकी लोग भी जो जा रहे थे। हाँ। वो तमाम की सूरत इसी टाइप की थी कुछ। सही है। अच्छा, वैसे मैंने ना 660 सीसी का खंजराब का बड़ा कम सुना था कि वहाँ तक जाए, वहाँ पे ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैनुअल गाड़ी ज्यादा आराम से चली जाती है, या फिर थोड़ा सा इंजन बढ़ाओ। जी बिल्कुल। हाँ। ऐसे ही है इसमें, मेरा भी मैं ले गया था इसको। हाँ। और वहाँ पर एक और लोग आए हुए थे मेरे साथ, फैमिली थी, ड्राइवर मैं अकेला ही था। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे जब वहाँ पर रुके तो उन्होंने बात की, यार आप आए हैं आप ये, और कितनी गाड़ियाँ आपके साथ, कितने लोग? मैं कह नहीं मैं अकेला ही हूँ। हाँ। उन्होंने कहा आपके साथ? मैं कह नहीं मैं ड्राइव भी अकेला कर रहा हूँ। तो उनके पास भी 660 सीसी गाड़ी थी। अच्छा, तो कह रहा यार हम तो 4 लोग हैं और आपस में लड़ रहे हैं, हम गाड़ी अब तू चला ले और तू चला ले, आप कैसे इस गाड़ी को लेकर आए? आपकी गाड़ी ऑटो है, हमारी तो मैनुअल है। अच्छा अच्छा, जबकि हमें महसूस हो रहा है कि मैनुअल गाड़ी यहाँ आई है, शायद इतनी पावर की ऑटो गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। अच्छा, मैं कहा वैसे एज सच मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, नॉर्मल हालात में। सही। अच्छा, इसके अंदर ये छोटे गियर की ऑप्शन होती है ना जब आप चला रहे हो, इसे सेकंड की सेकंड गियर और फर्स्ट गियर। हाँ। जिसे लो, जिसे हाँ, हम हाँ, लो के लिए होता है, और एक जो बिल्कुल हाइट पे जाके पीक पे सेकंड और कुछ जगहों पे फर्स्ट पे भी इसको। अच्छा, मैंने ड्राइव किया है। जैसे बाबू सर टॉप है वही। हाँ। एक सबसे ज्यादा तंग करने वाला पॉइंट है, तंग करने नहीं, हाइट तो खुंजराब की इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, लेकिन वो जरा बेहतर कंडीशन का रोड है, जस्ट मोटरवे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उसी स्टैंडर्ड का है जो के एच है। अच्छा, पीछे बहुत है इसके अंदर जगह बहुत है। हाँ। यहाँ पर 2-3 ये ऑप्शन अच्छा, है यहाँ पर भी। हाँ जी, ये भी है, ये भी है। यहाँ पर अच्छा, भी अगर आपको चीज लग सकते हैं कुछ, ये कप होल्डर भी हैं और ये नीचे भी एक वो स्पेस अगर आप देखें। हाँ 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 हाँ, तो ये जो इसके अंदर काफी, जब आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो ये छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा एडजस्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है गाड़ी के, अगर आपके पास पैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास 8-9 लाख रुपए का बजट है, और मोस्ट लोगों की पता है वो होती है जैसे उनका होता है ऑटोमेटिक गाड़ी हो, एसी हो, तो ऑटोमेटिक और एसी जो है ना वो मेरे ख्याल से इसी गाड़ी के अंदर मिलता है, और एक 2-डोर मीरा होती है जो आपको इस प्राइस के अंदर मिल जाती है। जी मिल जाती है। और मीरा के मुताबिक मैंने ड्राइव नहीं की। हाँ। सुना है लोगों से शायद उसकी माइलेज भी कुछ बेहतर है इससे, लोग कहते हैं कि, लेकिन जो इस प्राइस में मिलेगी ना वो मोस्टली मसला ये होता है वो 2-डोर वाली मिलती है इस प्राइस की रेंज में शायद, मतलब वो अगर 4-डोर चाहिए ना तो आपको थोड़ी मतलब 9-9.5 मतलब वो फिर महंगी साइड पे जाना शुरू हो जाएगी गाड़ी। ये गाड़ी जो है थोड़ी सी मतलब अब ये गाड़ी बड़ी कम हो गई है, शुरू में सबसे पहली गाड़ियों में थी ही है, तो अब ये गाड़ी जरा कम है, तो इसके अंदर मैं हल्का अगर एक सस्ती गाड़ी वाला बंदा देख रहा है गाड़ी तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल ले सकते हो। इसके अंदर एक ये चीज शायद लोग इसको मुझे नहीं पता आप इस चीज को कंसीडर करते हैं नहीं करते हैं। मेरा काम है वजन से मुतल्लिक। अच्छा, जैसे इस गाड़ी का मतलब वजन जो है मैंने इसको बाकी गाड़ियों के निस्बतन ज्यादा है। अच्छा, तो इसे हम ये कह सकते हैं ये सॉलिड है। अच्छा अच्छा, शायद ऐसा हो मुझे कंफर्म नहीं है, मेरा काम है वजन से रिलेटेड। अच्छा। तो मेरी गाड़ी का वजन हर रोज नहीं होता। हाँ। तो हफ्ते में 2-3 बार तो वजन हो जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे ये सहूलत अवेल है, मैंने लोगों का काम करने जाना होता है। हाँ। मैं इन्हीं पर्पस के। हाँ। तो निस्बतन इसका जो इसकी कैटेगरी की गाड़ियाँ उससे 100 किलो या 150 किलो इसका वजन ज्यादा है। अच्छा, तो शायद मैं समझता हूँ कि जरा सॉलिड हो ये। बाकी आप ये कह रहे थे कि आप इस गाड़ी को लोडिंग के लिए भी यूज करते हैं। जी बिल्कुल, लोडिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ। आप इसके अंदर मतलब लेके गए हैं? और मैं इसके अंदर तो 300 kg तक वजन लोड कर लेता हूँ, ये पिछली जो सीट्स हैं इसको नीचे गिरा देता हूँ मैं। अच्छा, और इसके अंदर बहुत हैवी स्केल्स की तो कैपेसिटी 4,000-5,000 kg तक की होती है। हाँ। जो वजन करने के हालात होते हैं। हाँ। स्केल में वही बनाता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि 1-2 बार ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी मतलब वो 6 फुट लंबी चीज़ है तो मैंने इसकी डिग्गी ओपन कर दी। हाँ। और इसके अंदर रख के मिले गए, जिसके लिए मुझे 4,000-5,000 रुपये रेंट मतलब फुल आपने पे करना पड़े किसी के लिए। तो वो लोडर बना के चलाया, लोडर भी इसको बना कर चलाया है मैंने। गाड़ी ने
नहीं बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल नहीं, सिर्फ 10 मिनट ही आई है डिग्गी खुलने की वजह से। अच्छा गाड़ी की आप ये ओवरऑल चला रहे हैं तो गाड़ी की सस्पेंशन कैसी है? सस्पेंशन ऐसा सच अभी तक मुझे, मैंने उसका कोई काम नहीं करवाया। अच्छा, और इसके पिछले शॉक अब मुझे कुछ एक दो महीने से ऐसा फील हो रहा है कि हाँ। शायद थोड़े से जरा जैसे किसी कोई फंक्शन में जाते हुए या आते हुए कई दफ़ा ज़्यादा लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन पांच लोग तो हम इसमें रूटीन में बैठ ही जाते हैं, फिर दो तीन बच्चे भी एडजस्ट कर लें हाँ। तो उसमें माइनस ऐसा होता है जैसे ब्रेकर पे ऐसा नहीं लगती नहीं है गाड़ी हाँ। लेकिन एक दो बार अगर लोग ज़्यादा बैठे हुए हों तो मुझे इसका जो नरम महसूस होते हैं जब पिछले शॉक थोड़े से शायद सही, ये सही। भी अभी दो तीन माह से मुझे ऐसा महसूस हुआ है। बाकी वैसे खड़े छड़ो में रिस्पॉन्स ओके? नहीं इट्स ओके, तंग करने वाली सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। व्यूअर्स आप भी इस तरह की कोई गाड़ी देख रहे हैं तो आप हमारे यूज्ड कार सेक्शन को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे आप ईके वैगन देखेंगे तो आपको ये गाड़ी काफ़ी तादाद में मिल जाएगी और एक अच्छे बजट के अंदर आपको एसी ऑटोमेटिक गाड़ी बड़े आराम से मिल जाएगी, तो आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जब भी कोई यूज्ड गाड़ी ले रहे हो, जैसे अब ये गाड़ी है तकरीबन ये पाकिस्तान के अंदर भी कोई 2015 की गाड़ी है, तो पाँच छः साल चल चुकी हुई है ये गाड़ी, तो इस तरह की गाड़ियों के अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह आ सकते हैं, जैसे इनकी गाड़ी के अंदर भी इंजन का आया था, तो आप इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें, आपको वो पूरे 200 प्लस चेक पॉइंट्स के ऊपर गाड़ी की सारी कंडीशन बताएंगे कि गाड़ी के अंदर कहाँ कहाँ काम होने वाले हैं और आपकी गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन क्या है, तो वो यूज़ करें और एक अच्छा डिसीजन लें अपनी यूज गाड़ी लेने के लिए। उम्मीद है पॉपुलर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ईके वैगन के अलावा और कौन सी गाड़ी ऐसी लगती है जो इस बजट के अंदर आपको मिल सकती है। और थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।